Hello, my dear students. Welcome back to the NP classes. Join today for your better tomorrow. आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री. ये किसी क्लास को स्पेसिफाइड नहीं करता. क्लास 9, 10, 11, 12, कॉम्पिटेटिव हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चंस अब पूछे जा रहे हैं. ट्रिग्नोमेट्री का क्रेज इतनी तेजी से बढ़ा है कि हर एक कॉम्पिटिशन में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे उठ जा रहे हैं. तो आज हम ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, इस पे हम बात करेंगे इसके सिंपल फॉर्मेशन की. ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, फार्मूला क्या है, अन्य सारी चीजें. साथ ही साथ मैं इस चैप्टर में कोशिश करूंगा, इस टॉपिक में, इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री के लगभग सारे के सारे फार्मूलाज कवर कर सकूं. तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं. ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो होता है हमारा तीन भुजाओं से घिरी हुई कोई आकृति है, उस पर जो हम फॉर्मेशन जो हम स्टडी करते हैं वो हमारा होता है ट्रिग्नोमेट्री. बहुत आसान लैंग्वेज में, अगर हमारा एंगल ये थीटा है तो मैं बात करूं, इसे कहते हैं बेस, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर लेंथ, और इसे कहते हैं हाइपोटेनस. हिंदी में बोल दूं तो ये हमारा लंब, ये हमारा आधार, और यह हमारा कर्ण होगा हिंदी में. ठीक है, एक बात आप जान लीजिए, जब भी मैं बात करूंगा एक समकोण की, किसकी बात करूंगा मैं, एक समकोण राइट एंगल की, तो यह हमारा 90 डिग्री के बराबर होगा. किसके बराबर होगा? 90 डिग्री की. एक रेडियन की बात करूंगा, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एक रेडियन में जो होगा वो होगा 180 डिग्री पाई के साथ. इज दैट क्लियर? चलिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होती हैं? उसको पढ़ने से पहले आपको पढ़ना चाहिए. ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज से पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, पाइथागोरस प्रमेय. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? ये कहता है कि हमारा जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर लेंथ के स्क्वायर के बराबर होगा. अगर मैं इसे हिंदी में लिखूं तो मैं ये कहूंगा कि हमारे कर्ण का जो वर्ग होगा वो आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होगा. ठीक है, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है. ये बताना जरूरी था क्योंकि पूरे ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज बहुत ज्यादा है. अब इसके बाद मैं बात करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं. रेशियो क्या है? ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है वो हमारा एंगल और साइड का एक रिलेशन दर्शाता है, और ट्रिग्नोमेट्री में हम उसे डिफाइन करते हैं साइन से, कॉस से, टेन से, और इसके उल्टे होते हैं कॉट, सेक एंड कोसेक. ठीक है बच्चों, अगर मैं थीटा की बात करूं, जैसा कि मैंने इस फिगर में बनाया है थीटा, तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा होगा. ये वीडियो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कठिन से कठिन लैंग्वेजेस का यूज करके आपको डराने धमकाने का नहीं है. बहुत ही आराम से, आसानी से, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को अच्छे से डिस्कस करते हुए हम चलेंगे. अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो हमारा साइन थीटा हमेशा किसके लूप में होगा? वो होगा हमारा, सबसे पहले मैं आपको इसका एक ट्रिक दूं तो वो कहलाता है लाल बटे कका. हर एक बच्चे को याद होगा ये. अब देखिए, ल से हमारा लंब होगा, लंब का मतलब परपेंडिकुलर लेंथ, क से कर्ण होगा, एच होगा, इसका मतलब लंब बटा कर्ण. बहुत ही आसानी से. अब मैं आधार की बात करूं तो आधार जो होगा वो होगा कॉस थीटा, जो होगा वो होगा आधार बटा कर्ण. क्या होगा? आधार बटा कर्ण, जिसे हम कह सकते हैं आधार बेस कर्ण एच. इज दैट क्लियर? टेन थीटा की बात करूं तो वो होगा लंब बटा आधार. अब लंब परपेंडिकुलर लेंथ होगा और आधार बेस होगा, समझ में आया? अब इसको हम आगे बढ़ाएं तो कॉसेक थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा एच बाई पी, इसका उल्टा हो जाएगा एच बाई बी, इसका उल्टा हो जाएगा बी बाई पी.
समझ में आया ना। हिंदी में लिख दें तो ये होगा कर्ण बटा लंब, इसे लिख दें कर्ण बटा आधार, इसे लिख दें लंब बटा आधार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सारे के सारे फॉर्मूलों को आप नोट करते जाइएगा, तभी ये चीजें समझ में आएंगी, याद आएंगी। मैं साइन थीटा की बात करूं तो ये हमेशा बराबर होगा 1 बटा कॉस थीटा, कॉसेक थीटा के, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला, अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो मैं हमेशा बात करूंगा 1 अपॉन सेक थीटा। टैन थीटा की बात करूं तो मैं हमेशा बात करूंगा 1 अपॉन कॉट थीटा का। कुछ समझ में आया ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। अब हमारी बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की। किसकी बात आती है? ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की। तो देखिए, जो बेसिक है वो 3 आइडेंटिटी है बेसिक, और ये तीनों बेसिक को मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं कहूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा आइडेंटिटी मैं कहूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा मैं कहूंगा इसी तरीके से 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। समझ में आया? और मैं बात करूं तो कुछ और भी होती हैं, जैसे वो होगी साइन थीटा बटा टेन थी सॉरी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। अब हम जानते हैं कि टेन जो है वो काट का उल्टा है, तो इसी तरीके से कॉट थीटा की वैल्यू निकल जाएगी कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है बच्चों, चलिए। अब ये तो हमारा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज और इनवर्स फार्मूला। समझ में आया? अब मैं आगे बताऊं तो एक और मैं बता देता हूं, वीडियो लंबी ना हो इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूं जल्दी से जल्दी कवर हो सके। वो ये है कि डिफरेंट एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू कितनी होती है डिफरेंट एंगल्स पे। चलिए मैं शुरू करता हूं। अगर ये हमारी थीटा है, साइन है, कोस है, थीटा लिख दें, चलो लिख देते, टेन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक। ठीक है, अब इस लाइन में मैं लिख रहा हूं इनके रेशियोज 30, 45, 60, 90 और 0। अब मैं भरता जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेकर के लिखिएगा। हालांकि ये तो सबको पता ही होगा 1/2। अब इसका उल्टा मैं यहां डायरेक्ट लिखूंगा 2। ये लिखने का सबसे आसान तरीका है और सबसे बेहतर तरीका है। कॉस थीटा 30 डिग्री, कॉस थीटा 30 डिग्री, या साइन का मैं पहले लिख दूं फिर आगे हम बढ़ेंगे। ये है 1/√2, इसका उल्टा √2। 1/√3/2 होगा, इसका हो जाएगा 2√3/90 डिग्री की वैल्यू 1, इसका आंसर हो जाएगा 0। 0 की वैल्यू 0, सॉरी ये 0 नहीं होगा, ये 1 ही होगा, आई एम सॉरी। और फिर मैं 0 की बात करूं तो ये कोसेक में 0 का इनवर्स कभी भी इनफाइनाइट होगा, मतलब अपरिभाषित, परिभाषित ही नहीं किया जा सकता इसे। ठीक है, अब मैं कॉस की बात कर रहा हूं, 30 डिग्री में हमेशा अंडर रूट 3/2 होगा, तो सेक कैसा हो जाएगा? बहुत बढ़िया, 45 हमेशा इक्वल होता है, तो ये कैसा हो जाएगा? 1/2। ये क्या होगा? 90 डिग्री की बात करूं तो कॉस 90 जीरो हो जाता है, और कॉस 0 का उल्टा हमेशा अपरिभाषित। ठीक है, कॉस 0 की बात करें तो 1, और 1 का उल्टा क्या होता है? 1 का उल्टा क्या होता है बताइए, अभी मैंने आपको बताया था 1 का उल्टा हमेशा 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा टेन की बात करें तो टेन में 30 डिग्री जो होगा 1/√3 होगा, तो इसकी वैल्यू √3 हो जाएगी। 45 की वैल्यू 1 होगी, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और 60 डिग्री की बात करें तो √3 होगा, और इसका 1/√3 हो जाएगा। और 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री की बात करूं तो ये कभी भी अपरिभाषित होता है, इनफाइन
अनडिफाइंड होता है। तो जब ये अपरिभाषित है तो इसका उल्टा आपको पता होना चाहिए, वो जीरो होगा। और अगर जीरो की वैल्यू बात करें, टाइम जीरो की बात करें, तो ये जीरो होगा। और जीरो का उल्टा कॉट में क्या होता है, परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा इसको। आज की वीडियो जो है हम इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।